नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष आचार में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज्येष्ठ मास में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है और क्या क्या इनके जीवन में घटित होता है। अब बात करेंगे आषाढ़ मास के बारे में, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई के बारे में, कि जुलाई में जो व्यक्ति जन्मा होता है, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति जन्मा होता है वो किस स्वभाव का होता है, क्या क्या उसको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या उसके भाग्य में लिखित होता है। इस माह में जन्मे जातक विलक्षण स्वभाव के तथा अखड़ प्रकृति के होते हैं। शरीर जो है दुबला पतला होता है, लेकिन ये जो लोग हैं अगर इनको कोई कष्ट हो जाता है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसे लोग बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को सामने पेश करते हैं कि मुझे इतना दुख है, लेकिन उनको उतना दुख नहीं होता। हालांकि ऐसे लोग जो होते हैं विपत्ति से घबराते नहीं हैं और अपने कुटुंबजनों से इनको कम स्नेह मिल पाता है, परंतु मित्रों की संख्या अधिक होती है। यह लोग स्फूर्तिवान तथा दृढ़ विचारों के होते हैं और भोग विलास के लिए यह नीच कर्म करने पर भी उतारू हो जाते हैं। इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो सामान्य रहती है। इनका विवाह 26 से लेकर के 32 वर्ष की उम्र में प्राय हो जाता है। भाग्य उदय 26 वर्ष से आरंभ हो जाता है। स्वास्थ्य साधारण रहता है तथा जीवन में अनेक बार रोग का विशेष कष्ट भोगना पड़ता है तथा इन लोगों को संतान का सुख भी साधारण रहता है। अभी हमने चर्चा की कि आषाढ़ मास में जन्मे जातक किस स्वभाव के होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण मास में जन्मे जातक किस स्वभाव के होते हैं, इनका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।